जैसे नासा ने पानी का पूरा एक समुंदर ढूंढ लिया स्पेस में, वैसे ये कुछ एस्ट्रोनॉट मून पे जाते हैं पानी की तलाश में, और इनके साथ क्या क्या होता है ये तो देखने वाली बात होगी। हाँ तो मैं अमित आज आपके लिए ऐसी सीरीज ऐसा लाया हूँ, अगर आप स्पेस और आउटर अर्थ जैसी चीजों में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये सीरीज आप ही के लिए बनी है। इस सीरीज की शुरुआत होती है जब अर्थ पे दिखाया जाता है कि पानी की बहुत ज्यादा कमी हो गई है और अगले 10 सालों में 40% तक पानी यहाँ पे खत्म हो जाएगा, और यहाँ दिखाया जाता है कैसे लोगों को पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। फिर इस सीरीज में दिखाया जाता है कैसे पानी की कमी और इसके सॉल्यूशन के लिए वहाँ की सरकार और वहाँ के साइंटिस्ट एक मिशन तैयार करती है जिसके लिए वो कुछ एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेजने वाली है। और फिर हमें यहाँ दिखाया जाता है कैसे वहाँ के एस्ट्रोनॉट्स को बताया जा रहा है कि 24 घंटे में ये मिशन उन्हें पूरा करना पड़ेगा। आगे इन एस्ट्रोनॉट्स को बताया जाता है कैसे मून पे एक रिसर्च स्टेशन है जिसका नाम है बेली लूनार रिसर्च स्टेशन, जहाँ से इन लोगों को एक बहुत ही कीमती सैंपल लाना है जो एक कैप्सूल के रूप में है। आखिर ये सैंपल जो कैप्सूल के रूप में इसके अंदर क्या है और ये चीज पानी की कमी को कैसे पूरा कर सकती है। आगे यहाँ दिखाया जाता है कैसे सारे एस्ट्रोनॉट्स पृथ्वी से निकल जाते हैं उस मून पे रिसर्च स्टेशन पे पहुंचने के लिए, और यहाँ से इनका ये एडवेंचरस और खतरनाक सफर चालू होने वाला है। फिर हमें यहाँ दिखाया जाता है कैसे वहाँ पहुँचते पहुँचते इनके स्पेसक्राफ्ट में कोई खराबी आ जाती है और उनका बहुत ही भयंकर एक्सीडेंट होता है, और वो सारे सीधा जाके मून के सरफेस पे क्रैश लैंडिंग करते हैं, और दिखाया जाता है कैसे ये बाल बाल बचते हैं। और हमें यहाँ पता चलता है कैसे ये सारे एस्ट्रोनॉट उस रिसर्च स्टेशन से बहुत ही ज़्यादा दूर क्रैश लैंडिंग किए होते हैं। अब इनके पास थोड़ी सी ही ऑक्सीजन बची है और उन्हें उस रिसर्च स्टेशन तक पहुँचना है। खैर ये सारे एस्ट्रोनॉट किसी तरह उस रिसर्च स्टेशन में पहुँच तो जाते हैं और जल्दी से वो अपना ऑक्सीजन रिफिल करते हैं, और जैसे ही उस रिसर्च स्टेशन के अंदर ये घुसते हैं तो ये देखते हैं कि यहाँ बहुत सारी लाशें पड़ी हुई हैं। पर यहाँ अजीब बात तो ये है कि इन सारी लाशों की मौत की वजह पानी में डूबने की वजह से है। पर इस मून पे पानी कहाँ से आया और ये पानी में डूब के कैसे मर सकते हैं जहाँ पे पानी का एक बूंद भी नहीं है। पर अभी तो ये सिर्फ एक शुरुआत है, आगे दिखाया जाता है कैसे ये सारे एस्ट्रोनॉट आपस में बिखर जाते हैं उस सैंपल को ढूंढने के लिए, और उन्हें वहाँ क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं ये देख के तो आप भी दंग रह जाओगे। आगे इस सीरीज में दिखाया जाता है कि उन्हें एक छोटी सी बच्ची मिलती है और वो बहुत ज्यादा खतरनाक और बहुत तेज होती है। अब देखने वाली बात तो ये होगी कि आखिर वो बच्ची है कौन और उस बच्ची का राज क्या है, और इसमें इतनी ताकत और फुर्ती कैसे आ गई है, और वो इतने सालों तक कैसे यहाँ पे जिंदा रह सकी, और इस सैंपल में ऐसी कौन सी चीज है जिसके लिए ये सारे एस्ट्रोनॉट अपनी जान की बाजी लगा के इस लूनार रिसर्च स्टेशन पे आए हैं, और क्या ये 24 घंटे में ये मिशन पूरा कर पाएंगे, और यहाँ पे लोगों की मौत पानी में डूबने की वजह से कैसे हो रही है, ये सब जानने के लिए तो आपको ये अमेजिंग सीरीज देखनी पड़ेगी जिसका नाम है द साइलेंट सी, जो आपको नेटफ्लिक्स पे मिल जाएगी। और ऐसे ही अमेजिंग मूवी टीवी सीरीज एंड एनिमे सजेशंस के लिए मुझे फॉलो एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।